हेलो दोस्तों वेलकम टू ए जी आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सांख्यिकी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है आंकड़ों फाइव टेन थ्री सिक्स फोर एट नाइन थ्री फिफ्टीन टू नाइन फोर नाइनटीन अलेवन फोर के लिए परिसर बहुलक तथा माध्य का माध्य क्या है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकी में आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए होते हैं तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं ठीक है तो चलिए हम लिखते हैं इसे आरोही आरोही क्रम में ठीक है आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखेंगे जब तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे सबसे छोटा क्या दिया हुआ है दो है फिर क्या दिया हुआ है दो देखिए एक बार है अब उसके बाद क्या है तीन है अब देखिए तीन कितनी बार है एक दो तीन दो बार है ठीक है जो जितनी बार होगा उतनी बार लिखना है ठीक है तीन के बाद अब देखिए चार कितनी बार है चार एक दो तीन तीन बार दिया हुआ है चार तो तीन बार चार लिखेंगे हम ठीक है उसके बाद देखिए पाँच दिया हुआ है पाँच पाँच भी एक बार दिया हुआ है अब इसके बाद देखिए तो छः भी एक बार दिया हुआ है अब देखिए सात सात नहीं दिया हुआ है अब क्या देखेंगे सात के बाद आठ आठ देखिए एक बार दिया हुआ है ठीक है फिर उसके बाद देखिए नौ नौ कितनी बार दिया हुआ है नौ दो बार दिया हुआ है एक यहाँ दिया हुआ है एक यहाँ दिया हुआ है नौ के बाद क्या आएगा दस दस कितनी बार दिया हुआ है एक बार दस के बाद देखिए ग्यारह एक बार दिया हुआ है ग्यारह के बाद देखिए पंद्रह दिया हुआ है ठीक है पंद्रह के बाद देखिए सोलह नहीं है सत्रह नहीं है उन्नीस दिया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया है ठीक है अब देखिए कितनी संख्याएं हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है पंद्रह संख्याएं दिया हुआ है अब देखिए पहला टर्म क्या है इसमें परिसर तो परिसर निकालने के लिए परिसर इसे हम रेंज भी कहते हैं इंग्लिश में रेंज कहते हैं तो परिसर होता है जो अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू लिखना ठीक है तो अधिकतम वैल्यू क्या है यहां पे उन्नीस है उन्नीस में से सबसे कम वाली न्यूनतम न्यूनतम क्या दिया हुआ है दो दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा सत्रह यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाते हैं तो परिसर मिलता है अब क्या पूछ रहा है बहुलक 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 लिख लीजिए ठीक है बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति हो इसमें कौन सा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है तो देखिए यहाँ पे दो एक बार आया है तीन दो बार आया है ठीक है और चार जो है यहाँ पे तीन बार आया है तो चार को हम लिख लेंगे इससे ज़्यादा कोई नहीं आया है ठीक है तो चार हो गया यहाँ पे बहुलक इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक आवृत्ति का मतलब कितनी बार आया है ठीक है अब आइए अब एक टर्म और भी दिया हुआ है माध्यक माध्यक कैसे निकालते हैं तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हमें कोई सूत्र की जरूरत ही नहीं है हम यहां से जो आंकड़े दिए हुए हैं यहीं से आप निकाल लेंगे देखिए इसमें था पंद्रह पंद्रह अंक दिए हुए हैं तो एक तरफ से सात अंक तक ऐसे लाइन खींच लीजिए ठीक है सात अंक तक यहाँ हो गया ठीक है इधर से भी सात अंक तक लाइन खींच लीजिए तीन चार सात अब देखिए यहाँ पे एक अंक बच रहा है ये ठीक है तो ये बीच में है सबसे माध्यक मतलब सबसे जो बीच में होता है तो माध्य क्या हो गया यहाँ पे छह हो गया ठीक है अगर आपको सूत्र से निकालना है तो वो भी मैं बता देता हूं सूत्र से निकालने के लिए क्या होता है कि जब विषम पद दिया जाता है तो विषम पद है ये पंद्रह विषम पद है तो क्या करेंगे पंद्रह में एक जोड़ेंगे सोलह बटे दो करेंगे ठीक है ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन बटे दो विषम ठीक है अब देखिए यहां पे पंद्रह था पंद्रह में एक जोड़ेंगे सोलह बटे दो करेंगे आठवां पद तो देखिए इधर से सात हो गया ये आठवां पद हो गया ठीक है तो इस तरीके से माध्यक निकल गया अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कह रहा है कि परिसर बहुलक तथा माध्यक का माध्य इन तीनों आंकड़े जो हमने निकाले हैं इनका माध्य पूछ रहा है ठीक है तो माध्य जैसा कि हम जानते हैं कि जो आंकड़े होते हैं सबका योग करके टोटल आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो अभिष्ट माध्य है इसका ये हो जाएगा आंकड़े क्या क्या है परिसर बहुलक माध्यक तो तीनों का हम जोड़ कर लेंगे तो सत्रह प्लस चार प्लस छ बटे आंकड़े कितने हैं तीन हैं तीन से भाग करेंगे यहाँ पे तो देखिए सत्रह चार इक्कीस इक्कीस छ सत्ताईस बटे तीन तीन से भाग करेंगे तो नौ बार जाएगा और यही जो नौ है यही अभिष्ट माध्य आ गया यही हमारा आंसर हो गया तो दोस्तों इस तरीके से अगर सांख्यिकी का क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें परिसर पूछा बहुलक पूछे माध्यक पूछे या माध्य पूछे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच